कोई भी नत्र स्पुरत पलाश 100% ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, लाइव बैक्टीरियल कल्चर है, ये सुप्तावस्था में, मतलब ये सोए हुए अभी है। जैसे ही आप बोतल खोलोगे, पानी में मिक्स करोगे या जमीन के अंदर दोगे, ये विद इन 48 आवर्स, मतलब 2 दिन के अंदर अंदर वो वापस से नींद उनकी खुलेगी और वापस से उनका कार्य शुरू हो जाएगा। अभी बायोफिटेन में अजोटोबैक्टर स्पेसिस है। अभी अजोटोबैक्टर क्या करता है, हवा में जो नाइट्रोजन है उसका फिक्सेशन करने का काम करता है। बायोफिट पी में पोटैश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया है और बायोफिट के में बायोफिट पी में फॉस्फोरस मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया है और बायोफिट के में पोटैश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया। अभी पी और के में जो पीएसबी और केएसबी के बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, जमीन के अंदर जो अवेलेबल नॉन अवेलेबल फॉर्म में, मतलब सैचुरेटेड फॉर्म में जो फॉस्फरस है पोटैश है उसका विघटन करने का काम करते हैं। मतलब उनका जीवन का कार्यकाल यही रहता है कि जब तक फॉस्फरस और पोटैश विघटन नहीं होता तब तक उनको खाना नहीं मिलता जमीन के अंदर। तो वैसे विघटन जैसे ही होता है, वो विघटन करने के बाद उनका पेट भर जाता है, लेकिन वो विघटन होने के बाद जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं फॉस्फरस और पोटैश के, वो आपकी फसल को आसानी से नेचुरल रूप से अवेलेबल हो सकते हैं। मतलब बायोफिट एनपीके का इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो नैसर्गिक रूप से आप आपके फसल को नत्र स्पुरद और पलाश ये अवेलेबल करके दे रहे हो, उपलब्ध करके दे रहे हो। अभी ये प्रोडक्ट इसमें रिवैम्प हमने क्या किया है, डेवलप क्या, अपग्रेडेशन क्या किया। अभी ये नया वाला जो एनपीके, ये जो द्रावण सॉल्यूशन है, ये हाईली इफेक्टिव है। मतलब इसका कार्य करने की क्षमता हमने बढ़ाई है और इसका फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हमने अपग्रेड किया है। पहले का जो बायोफिट एनपीके था उसमें काउंट फॉर्मेशन यूनिट 1 ml में 10^8 था, लेकिन अभी के इसमें 8 ml में 10^12 है। मतलब ये क्या है, मतलब 1 ml में 10^8 क्या है और 1 ml में 10^12 क्या है, मतलब 1 ml में कितने बैक्टीरिया तैयार हो सकते हैं, 10 के ऊपर आप 8 0 लगाओ उतने बैक्टीरिया तैयार हो सकते हैं। लेकिन अभी का जो एनपीके है वो अगर 1 ml आप लेते हो तो उसमें कितने बैक्टीरिया तैयार हो सकते हैं, 10 के ऊपर आपको 12 0 लगाने पड़ेंगे उतने बैक्टीरिया तैयार हो सकते हैं। बराबर, मतलब ये हायर डोज हायर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के कारण आपके जमीन के अंदर ज्यादा से ज्यादा माइक्रोबियल काउंट, जीवाणुओं की संख्या बढ़ने वाली है और उसके फायदे हमें मिलने वाले हैं। इसमें हाईली पोटेंट स्टेबिलाइजर भी ऐड किया है। मतलब जैसे कि हमारा बायोफिट एनपीके का अगर देखा जाए उसका शेल्फ लाइफ 1 साल का रहता है, 12 महीने का रहता है। पहले महीने में अगर जो उसका काउंट फॉर्मेशन यूनिट है उतना ही कॉन्सेंट्रेशन आपको लास्ट महीने तक मिलेगा, वो कम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसमें हमने पोटेंट स्टेबिलाइजर ऐड किए, वो स्टेबिलाइजर की वजह से वो मेंटेन रहता है, वो कम नहीं होता। बाकी मार्केट में जो अवेलेबल जीवाणु लिक्विड बायो फर्टिलाइजर है तो वहां पे होता क्या है, वहां पे आपको पहले महीने में अगर वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो तो काउंट अच्छा आएगा, जीवाणु की संख्या ज्यादा मिलेगी। दूसरे तीसरे चौथे महीने में जैसे आप महीना बढ़ाते जाओगे वैसे वो काउंट धीरे धीरे कम कम आता हुआ 10^5 तक, 10^4 तक आ जाता है। लेकिन अपना बायोफिट का जो प्रोडक्ट हमने रिवैम्प किया है उसमें आपको पहले महीने में और 12वें महीने में आपको सेम काउंट फॉर्मेशन यूनिट, मतलब बैक्टीरियाओं की संख्या आपको मिलेगी। तो ये हमने इसमें रिमैप किया है, मतलब मार्केट का और यहाँ अपने बायोफिट एनपीके का कंपैरिजन आप यहाँ पे कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें हाईली सोल्यूबलाइजिंग ऑर्गेनिज्म इसमें हमने इस्तेमाल किया है, जैसे कि हमको हम बोलते हैं स्ट्रेन, जो स्ट्रेन हमने इस्तेमाल किया है ये सुपीरियर क्वालिटी का, बहुत ही उच्च दर्जा का स्टेन हमने यूज किया। जैसे कि स्टेन मतलब अपने मातृभाषा में अगर मैं बोलना चाहूं तो जैसे दूध का दही बनाना है तो हम क्या करते हैं, 1 लीटर दूध का दही बनाने के लिए 1 चम्मच दही लगता है। बराबर, अभी दही क्या है, वो बैक्टीरियल कल्चर है, वो स्टेन है। बराबर, अगर अच्छा दही लेते हो तो उस दूध का दूसरे दिन अच्छा दही मिलता है। अगर दही खराब है तो दूसरे दिन अच्छा दही नहीं मिलता, उसको दोपहर तक या शाम तक वैसे के वैसे रखना पड़ता है। बराबर, मतलब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होने के लिए उसको समय देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हमने बायोफिट एनपीके में जो बैक्टीरिया, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किए वो हाईली सोल्यूबलाइज है, उसका जो स्टेन है उसका जो दर्जा है बहुत ही बेहतरीन दर्जे के हमने यहाँ पे बैक्टीरिया हमने कल्चर यूज किया है। कुछ न्यूट्रिएंट्स भी हमने इसमें ऐड किए ताकि ये इसकी डॉर्मेंसी जैसे ही ब्रेक होती है, डॉर्मेंसी ब्रेक होना मतलब ये बायोफिट एनपीके के जो बैक्टीरियाज है वो इस्तेमाल में आना, मतलब ये जमीन में जाने के बाद या पानी में जाने के बाद 48 आवर्स में उसका डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाता है, उनका कार्य प्रणाली शुरू हो जाता है। तो
शुरुआत के समय में उनको कुछ एनर्जी मिलने के लिए हमने कुछ न्यूट्रिएंट्स भी इसमें ऐड किए। मतलब जैसे कि बोलते हैं कि हम सुबह उठने के बाद मुझे थोड़ा ब्रेकफास्ट मिलता है तो 1 बजे तक मैं आराम से काम कर सकता हूँ, बराबर। सुबह सुबह तो खाना कोई नहीं खाता, वैसे ही इनकी डॉर्मेंसी जैसे ब्रेक होती है, डॉर्मेंसी ब्रेक होने के बाद उनको इंस्टेंट पावर एनर्जी मिलने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स भी हमने इसमें ऐड किए ताकि इनकी कार्यक्षमता बढ़े और बेहतर रिजल्ट हमें मिले। अभी बायोफिट एनपीके का इस्तेमाल करने के बाद फायदे क्या क्या होंगे? आपकी फसल को नेचुरल रूप से, नैसर्गिक रूप से नत्र स्फुरत पालाश ये उपलब्ध होगा, साथ ही साथ जमीन का जो उपजाऊ क्षमता है, सॉइल फर्टिलिटी है, वो बढ़ाने में मदद होगी। साथ ही साथ आप अगर केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हो तो वहां पे आप केमिकल फर्टिलाइजर का डोज कम कर सकते हो, वहां पे किसानों का खर्चा जो है वो खर्चा कम हो सकता है। अभी केमिकल फर्टिलाइजर कितने कम करने हैं, आप अगर पहले साल इस्तेमाल कर रहे हो तो 30% ही कम करने हैं। अगर पहले साल ही आपने 100% कम किए तो आपकी जमीन रिस्पॉन्स नहीं देगी, बराबर। जैसे कि आज मुझे मतलब पिछले 30 साल से अगर चाय पीने की आदत है तो चाय पीने की आदत मैं कल से बंद नहीं कर सकता, धीरे धीरे मुझे थोड़ा क्वांटिटी कम करना पड़ेगा, थोड़ा नंबर ऑफ टाइम्स कम करना पड़ेगा, उसके बाद 2-4 महीने के बाद मैं 100% कम कर सकते हो। वैसे ही आपके जमीन को जो आदत लगी है वो अचानक से आप बंद नहीं कर सकते। आप अगर पहले साल बायोफिट एनपीके इस्तेमाल कर रहे हो, हर फसल के लिए, हर सीजन के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो पहले साल 30% कम करो, दूसरे साल 40% कम करो, तीसरे साल 50% कम करो, चौथे साल आप 60% कम करो और पांचवें साल आप 70% तक आप केमिकल फर्टिलाइजर का डोज आप कम कर सकते हो। जैसे ही आप पहले साल धीरे धीरे डोज कम करते जाओगे, किसानों का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, क्योंकि आज के तारीख में देखा जाए तो गवर्नमेंट ने जैसे सब्सिडी निकाल दी है तो केमिकल फर्टिलाइजर की जो कीमत है वो आराम से 1500-1600 तक जाके पहुंची है। तो वहां पे बहुत ज्यादा खर्चा होता है और केमिकल फर्टिलाइजर का ज्यादा इस्तेमाल करने के बाद आपकी जमीन भी खराब हो जाती है। मतलब यहाँ पे खर्चा भी कम कर रहे हैं और साथ ही साथ हम ऑर्गेनिक फार्मिंग भी प्रमोट कर रहे हैं। मतलब जैसे कि आज की तारीख में आज जो आप जमीन कस रहे हो, जमीन में खेती कर रहे हो, वो जमीन आपके दादा परदादा या आपके पिताजी ने आपको दी है, वैसे ही आपको ये जमीन आपके नेक्स्ट जनरेशन मतलब आपके बेटे को, आपके पोते को वैसे के वैसे रखनी है। तो हमें ये ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना पड़ेगा, हमें थोड़ा ये बायोफिट एनपीके लिक्विड बायोफर्टिलाइजर है ये इस्तेमाल हमें करना जरूरी है। मतलब इसका अगर देखा जाए ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर का, और इसका अगर देखा जाए कॉस्ट इफेक्टिव भी बहुत ज्यादा है। मतलब कोई किसान अगर 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहता है या कोई किसान बोलेगा कि बायोफिट एनपीके की जगह मैं कंपोस्ट खाद या गोबर का खाद मैं इस्तेमाल करता हूँ या वर्मी कंपोस्ट मतलब जो केंचुए रहते हैं उनका खाद में इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन उसका कॉस्ट इफेक्टिव और इसका कॉस्टिंग निकाला जाए तो बायोफिट एनपीके ये लिक्विड बायोफर्टिलाइजर बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। मतलब आज के तारीख में 1 टन आप गोबर का खाद अगर आपके जमीन में डालते हो तो उसमें से बहुत कम मात्रा में नत्र स्फुरत पालाश आपके जमीन को मिलती है। लेकिन आप वहीं पे 1 टन गोबर खाद की जगह आप एक सेट अपना 1-1 लीटर वाला एनपीके आप अगर इस्तेमाल करते हो आपके जमीन में तो ज्यादा मात्रा में आपके फसल को नत्र स्फुरत पालाश मिलेगी और ये बैक्टीरियस, ये मल्टीप्लीकेशन इनका होता रहेगा। मतलब ये 100% डेड या 100% मृत कभी नहीं होगी, जैसे मनुष्य का चलता आ रहा है। मतलब जैसे अपनी लोक संख्या बढ़ती है वैसे थोड़ा कम भी होती है, वैसे इनका भी ये मल्टीप्लीकेशन चालू ही रहता है और ये बहुत ज्यादा मात्रा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काउंट आपके जमीन में बढ़ता है और सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। अभी बायोफिट एनपीके का इस्तेमाल कैसे करना है? सॉइल एप्लीकेशन करने के लिए प्रोडक्ट बनाया है। मतलब आप अगर छिड़काव कर रहे हो तो छिड़काव करने के बाद सूरज के रोशनी पे ये ऐसे खुले पड़ जाएंगे और ये बैक्टीरियाज मृत हो जाएंगे, बराबर। तो ये सॉइल एप्लीकेशन अगर आप करते हो, मतलब आपके फसल के जड़ों के नजदीक या जमीन के अंदर करते हो तो ये अच्छे से काम करेंगे और इसका हमें आउटपुट मिल सकता है। तो आप ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से या ड्रेंचिंग के माध्यम से या फ्लड इरिगेशन, मतलब जो हम अपना ट्रेडिशनल पारंपरिक रूप से जो पानी छोड़ते थे खेत में, तो उस माध्यम से आप ये बायोफिट एनपीके का इस्तेमाल करते हो, कर सकते हो। अभी बायोफिट एनपीके जिस समय आप इस्तेमाल कर रहे हो, आप अगर आपके खेत में केमिकल फर्टिलाइजर भी डाल रहे हो तो दोनों में कम से कम 4-5 दिन का इंटरवल रहना जरूरी है। दोनों अगर एक साथ डालोगे तो केमिकल हार्मफुल होने के कारण वो केमिकल अपने बायोफिट एनपीके के जीवाणु को मार सकता है, बराबर। इसलिए कम से कम 4-5 दिन का इंटरवल रहना बहुत जरूरी है। ड्रेंचिंग के लिए आप अगर इसका द्रावण बना रहे हो, सॉल्यूशन बना रहे हो, तो 1 लीटर पानी के लिए 1-2 ml एनपीके हर एक मिक्स करना है, उसके बाद आप
पौधे छोटे पौधे को या पेड़ को आप ड्रेंचिंग कर सकते हो, या ड्रिप या फ्लड इरिगेशन के माध्यम से अगर दे रहे हो तो एक एकड़ फील्ड के लिए, एक एकड़ मतलब 40 आर, एक एकड़ फील्ड के लिए 200 लीटर पानी में 1 लीटर N, 1 लीटर P, 1 लीटर K इसका द्रावण बना के आप टाइम एडजस्ट करके आप उसको पानी के माध्यम से जड़ों के बीच आप छोड़ सकते हो। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट अपना है वो है बायोफिट शीट।